Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So as you know, we are discussing with a series of equilibrium of firm and industry in perfect competition, and in this video we will discuss about impact of price selling on consumers under perfect competition, assumption of that conditions, and effect of a price selling. So let's get started without wasting any time. So first is, what is meaning of price selling? Price selling वो condition है जिसके अंदर government किसी product या commodity या service की maximum selling amount को fix कर देती है, यानी कि जब आपकी government ये कह दे कि कोई particular product या services किसी specified price से ज़्यादा नहीं बेची जाएगी, तो उस condition को क्या कहेंगे? Price selling. ऐसा एक गवर्नमेंट कस्टमर्स की वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए करती है. लेकिन आपके परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में हम देखेंगे कि क्या ये प्राइस सेलिंग की सिचुएशन एक कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद होती है या नहीं. सो अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये प्राइस सेलिंग एक कस्टमर के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती. ऐसा क्योंकि प्राइस को कम करने के बाद भी एक प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए नहीं होती. सो इसी टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे. सो इसके लिए कुछ अजम्पशंस को डिफाइन किया गया है. व्हाट इज अजम्पशन ऑफ दैट कंडीशन? देन सप्लाई ऑफ कोयल इज अफेक्टेड बाय माइंस इन कोयल इंडस्ट्री, कि जो आपकी सप्लाई है कोयले की वो क्या होगी माइंस के अंदर, कि आपके जितनी भी खाने होंगी कोयल की उसके अकॉर्डिंग ही क्या है इफेक्ट होंगी. देन प्राइस ऑफ टोटल इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री एज वी डिस्कस प्रीवियस, कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो कौन डिटरमाइन करता है? आपकी इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है. देन कोयल इंडस्ट्री सेल्स प्रोडक्शन टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कस्टमर, कि आपका इनडायरेक्ट चैनल चलता है किसका? डिस्ट्रीब्यूशन का. कोयल इंडस्ट्री के जो सेलर्स हैं वो कहाँ सेल करेंगे इसको? रिटेलर्स को. देन रिटेलर्स से किसको सेल की जाएगी? कस्टमर्स को सेल किया जाता है प्रोडक्ट. देन मार्केट डिमांड कर्व इज कोयल इज इलास्टिक, जब आपके कोयल की प्राइस के अंदर चेंज किया जाएगा तो आपके डिमांड के अंदर भी उससे क्या होगा रिगार्डिंग चेंज आएगा. तो इसी कंडीशन को क्या कहेंगे हम? इलास्टिक, कि जब आपकी प्राइस में चेंज करने से किसी प्रोडक्ट या कमोडिटी की डिमांड में भी चेंज होगा, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी कहा जाता है. तो आपकी मार्केट डिमांड ऑफ कोयल क्या है? इलास्टिक होगी. देन कोयल इंडस्ट्रीज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, की जो आपकी कोयल इंडस्ट्री है वो क्या है? एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन को फॉलो करती है. देन कोयल इंडस्ट्री इज एन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, कि लार्ज लेवल पर जब कोयल्स की प्रोडक्शन किया जाएगा तो आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. कि ये क्या है? आपकी एक इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज हैं. सो अब इस सिचुएशंस को हम अलग अलग सिचुएशंस के थ्रू समझेंगे. तो फर्स्ट क्या है आपका? कि डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ कोयल, कि जब आपके कोयल के प्राइस को डिटरमाइन कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड को, उसके बाद अगर गवर्नमेंट प्राइस सेलिंग की सिचुएशन को करती है तो आपकी प्रोडक्शन के अंदर और सप्लाई के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एंड वाई, एंड ये क्या है आपका? ओरिजिन. इस कंडीशन में आपका जो डिमांड करो क्या है वो ये है, दिस इज योर डिमांड करो, एंड ये क्या है आपका? सप्लाई करो है. सो इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन आपका प्राइस कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर फॉलो करना चाहिए कि आप क्या करोगे? पी प्राइस के ऊपर कोयल को सेल करोगे, और कितनी क्वांटिटी सेल की जाएगी वो क्यों क्वांटिटी सेल की जाएगी. अब कंडीशन ये है कि अगर आपकी गवर्नमेंट प्राइस सेलिंग कर देते, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्जिंग योर कोल को फिक्स कर देती है, देन उस कंडीशन में आपके डिमांड और सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर आपका जो
प्राइस है उसको फिक्स कर देगी, कि गवर्नमेंट कहेगी कि अब जितने भी कोयल की कंपनीज है उसको OP1 प्राइस के ऊपर कोयल को सेल करना पड़ेगा। देन इस प्राइस के ऊपर आपकी सप्लाई क्या होगी, इतनी होगी, और आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो इलास्टिसिटी के रूल के अकॉर्डिंग जब आपके प्राइस डिक्रीज होंगे तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे कम पॉइंट के ऊपर क्या कर दिया है, ऑयल के प्राइस को फिक्स कर दिया है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी आपकी कंपनीज हैं उनको लॉस बेयर करने पड़ेंगे। सो इस कंडीशन के अंदर आपकी जो फर्म है वो कितनी क्वांटिटी को सेल करेगी, वो OQ1 क्वांटिटी को सेल करना चाहेगी, और डिमांड उसकी कितनी होगी, OQ3 क्या होगी, कोयल की डिमांड होगी। सो इस सिचुएशन में क्या होगी, आपकी जो सप्लाई है वो कम होगी और डिमांड है वो ज़्यादा होगी। इस कंडीशन के अंदर जो भी कंपनी है वो सर्वाइव करने के लिए और अपने मेजर्स को यूज़ करेंगी, जैसे कि राशनिंग ऑफ कोयल या फिर अलोकेशन ऑफ कोयल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम सर्व। या राशनिंग ऑफ कोयल का मतलब कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं उनके लिए पहले प्रेफरेंस दी जाएगी कि इतने अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, अपना कोयल इस पर्पज़ के लिए सेल करेंगे और इतना अमाउंट इस पर्पज़ के लिए सेल करेंगे। या फिर वो कह सकते हैं कि जो भी पहले गेट करना चाहे वो आकर क्या कर ले, गेट कर ले कोयल को, कि जो आपकी जो सप्लाई है वो क्या कर दी गई है, कम हो गई है। सो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन में अगर फर्म क्या करती है, कोयल के प्राइस को कम चार्ज करना स्टार्ट करेंगी, तो वो कम सप्लाई के ऊपर ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से उनको और मेजर्स को यूज़ करके अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट करना होगा। देन दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, नेक्स्ट कंडीशन है आपकी इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म की। एक प्राइस सेलिंग की सिचुएशन में फर्म कहाँ पर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगी, तो ये देखने के लिए दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एंड ये है आपका ओरिजिन। एंड इस कंडीशन में एक फॉर्म का सप्लाई कर्व क्या है, ये, और इसका डिमांड कर्व, सॉरी ये क्या है, डिमांड कर्व, एंड ये क्या है आपका सप्लाई कर्व। और इस सिचुएशन में एक फॉर्म कहाँ पर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगी, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पर होगी। इस पॉइंट पर एक फॉर्म ओपी प्राइस चार्ज करेगी और OQ यूनिट को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। अगर इस सिचुएशन में इंडस्ट्री को क्या कर दिया जाता है, प्राइस सेलिंग कर दी जाती है, अगर प्राइस को कम कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में आपका जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होकर S2 हो जाएगा। इस सिचुएशन के अंदर आपकी जो फॉर्म है वो कितना प्रोडक्शन सेल करेगी, वो OQ1 प्रोडक्शन सेल करेगी और OP1 प्राइस के ऊपर। लेकिन आपकी जो ये कर्व है, यानी कि जो आपका MN कर्व है, वो क्या शो करता है कि आपकी फॉर्म की सिचुएशन में प्राइस कम करने पर एक फॉर्म मैक्सिमम इतना ही अमाउंट क्या करेगी, सेल करने के लिए रेडी है। वो इतना सेल कर सकती है, लेकिन वो कितना सेल करेगी, इतना सेल करेगी, क्योंकि जो आपकी डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है और जो आपकी सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो गई है, लेकिन आपका जो प्राइस है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक फर्म क्या करेगी, अपना कम अमाउंट के ऊपर ही उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करेगी। देन आपकी नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि इफेक्ट ऑफ प्राइस सेलिंग इन लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म में जो आपके कोयल की क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस एंड ये है ओरिजिन। इस कंडीशन के ऊपर एक परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में फर्म की, इंडस्ट्री की जो AR है वो क्या होगी, ये, एंड आपकी जो LAC है
वो क्या होगी, ये क्या है आपकी LAC एंड ये है आपकी LMC। तो ये कंडीशन क्या है आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, और इस सिचुएशन के अंदर आपकी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ओ क्यू है, यानी कि OP प्राइस पर ओ क्यू यूनिट्स को सेल किया जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म सिचुएशन के अंदर हम प्राइस सेलिंग की कंडीशन को देखते हैं तो आपका प्राइस क्या कर दिया जाता है, कम फिक्स कर दिया जाता है, और आपकी फॉर्म क्या है, एक इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगी, आपकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर प्राइस कम चार्ज करने पर आपकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्रोडक्शन कम होने से क्या होगी, आपकी जो अमाउंट है वो क्या होगी, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या है आपकी न्यू LAC एंड ये है आपका न्यू LMC। देन इस कंडीशन पर आप इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो क्या है, टर्म के अंदर अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, पहले से कम अमाउंट में जो कमोडिटी है उसकी सप्लाई होगी और जो फर्म्स है उनको क्या होंगे, आपके कम प्रॉफिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को देखते हुए कम प्रॉफिट अगर होंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी मैक्सिमम अमाउंट पर क्या करेंगी, अपनी जो भी अमाउंट है उनको ऑयल की सेल करना स्टार्ट कर देगी। इस कंडीशन में फर्म का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहाँ पर फर्म इंडस्ट्री को नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होंगे, लेकिन उसका प्रोडक्शन पहले से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कमोडिटी की क्वांटिटी के अंदर कम होने से जो लार्ज या फिर लॉन्ग टर्म में कस्टमर्स को क्या करना पड़ता है, लॉस बेयर करना पड़ता है। सो आपकी इस सिचुएशन के अंदर रीड करने के बाद, एनालाइज करने के बाद ये क्लियर किया गया कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर प्राइस सेलिंग के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो कस्टमर्स के लिए क्या है, अनप्रॉफिटेबल है, क्योंकि जितनी अमाउंट उनको पहले सप्लाई की जा रही थी उससे कम अमाउंट क्या है, सप्लाई की जा रही है। सो आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन में जो भी प्राइस है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट और डिमांड के सप्लाई, डिमांड और सप्लाई कर्व के अकॉर्डिंग ही क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक एंड आई होप दिस क्लियर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक यू कैन आस्क डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम कॉमर्स इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द